स्टूडेंट्स, माय सेल्फ विपिन वर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विंग्स अकेडमी पे। मेरे बच्चे, आज का जो सेशन होगा उसमें हम बहुत ही इंटरेस्टिंग डेरिवेशन करेंगे, और डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, और इसमें बिहाफ पे न्यूमेरिकल्स आना पक्का है। बहुत बार आती है, न्यूमेरिकल्स पे आ जाते हैं, बट उसके लिए डेरिवेशन हमें समझ में आना बहुत ही जरूरी है। स्टार्ट कर रहे हैं, कई टीचर्स को बहुत टफ डेरिवेशन में भी गिनते हैं, बट देखिएगा बच्चे, आज मैं इसकी ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिस ट्रिक के थ्रू आपको अपने आप पता लग जाएगा डेरिवेशन आपको करना क्या क्या आगे फर्दर स्टेप्स में। ठीक है, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, दैट इज व्हाट एमएफ बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ स्ट्रेट, हाँ जी, इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर, ट्रिपल सी, करंट कैरिंग कंडक्टर बच्चे, है ना। ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसमें हम बेसिकली करेंगे क्या, क्योंकि आपको पता है हमारा कंडक्टर क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट। अब मैं इनफाइनाइट ड्रॉ कर नहीं सकता, तो पहले मैं कंडक्टर को क्या मानूंगा मेरे बच्चों, फाइनाइट। क्या मानूंगा स्टूडेंट्स, फाइनाइट। ध्यान से देखिएगा बच्चे, ये मेरा एक फाइनाइट कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर, तो ऑब्वियसली करंट आई फ्लो हो रहा है, इजी, कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चों। ये रहा हमारा फील्ड पॉइंट, जहां आपको फील्ड निकालनी है। ओके, पी से इस कंडक्टर के प्लेन का ये है मेरे बच्चे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कीप इन माइंड, इसको मैं ए से डिनोट कर रहा हूं, दैट इज व्हाट, दिस इज अ 90 डिग्री, है ना। ओके स्टूडेंट, उसके बाद आप जानते हैं, क्योंकि आपको बाइट सेवेट लॉ लगाना है, तो आपको पता होना चाहिए आई, उसके बाद डीएल। डीएल के लिए बच्चे मैं ये ज्यूम कर रहा हूं, ये रहा मेरा स्मॉल पोर्शन, दैट इज अ डीएल। ओके, मैं बच्चे इस पॉइंट को ए मान रहा हूं, इस पॉइंट को बी मान रहा हूं। ओके, और मैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या मान रहा हूं स्टूडेंट्स, एल, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ ये भी ठीक है। ओके, आप जानते हैं उसके बाद क्या आता है बच्चे, साइन थीटा, उसके लिए थीटा में चाहिए होता है, वो क्या होता है, एलिमेंट्री पोर्शन से एक लाइन ज्वाइन होती है, कहां तक बच्चे, पी पॉइंट तक, और आपको पता है ये वाला एंगल क्या होता है, थीटा। ये भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी इजी है। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखना, क्योंकि मैं जानता हूं पहले मैं फाइनाइट कंडक्टर की फील्ड निकालूंगा, तो मेरे बच्चे इसीलिए ध्यान से समझना बच्चों, मैं इसीलिए इसके दोनों पॉइंट्स को यहां से ज्वाइन कर दूंगा कुछ इस प्रकार से। ओके, आपको पता है जितना एंगल अपर हाफ फॉर्म करेगा उतना ही लोअर हाफ फॉर्म करेगा, दैट इज अ फाई। ओके नाउ स्टूडेंट्स, अब क्या होगा वो देखते हैं जरा। इसमें मेरे बच्चे डायग्राम में अगर ऑब्जर्व करूं तो एक चीज अभी मिस है, वो क्या है, आर, और आर क्या था, डिस्टेंस बिटवीन द फील्ड पॉइंट एंड द एलिमेंट्री पोर्शन, दैट इज व्हाट, ये डिस्टेंस आपके सामने आर। तो मेरे बच्चे अब डायग्राम आपका फाइनली कंप्लीट हो गया, और मैं कंडक्टर को मान रहा हूं एक्स और वाई नाम का। ओके बच्चे, यहां पर कंडक्टर है, अब मुझे ये करना है, पहले फाइनाइट की फील्ड निकालेंगे, फिर इनफाइनाइट की, अपने आप ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंडीशन, जिसका मैं रीजन दे दूंगा आपको क्यों लगाते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे फ्रॉम फिगर, और मेरे बच्चे अभी देखना आपको ट्रिक्स बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अकॉर्डिंग टू, आप जानते हैं क्या, बाइट सेवेट लॉ, मेरे बच्चे आपको पता है हर जो हमारी डेरिवेशन होगी वो इसी पे बेस्ड होगी शुरुआत में, तो अकॉर्डिंग टू बॉयड सेवेट्स लॉ मेरे बच्चे, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था जी डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ट्रिक स्टार्ट हो रही है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, अगले स्टेप्स आपको अपने आप पता लगते हैं क्या करना है मुझे। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कौन कौन से पैरामीटर निकालने हैं, 4 पैरामीटर, आई डी एल साइन थीटा एंड आर स्क्वायर। मेरे बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करो, क्या करंट मुझे पता है क्वेश्चन में, हाँ आए, अंडरस्टूड, इजी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगली वेरी इंपॉर्टेंट टर्म डीएल, अब डीएल निकालना तो बहुत ही डिफिकल्ट है, बट हाँ एल निकाल सकते हैं। एल से डीएल कैसे मिलेगा, सोचो सोचो, थिंक करो, एल से डीएल डिफरेंशिएट करना है, सीधा तो है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब एल निकालने के लिए एक ट्राइंगल देखो, वो मुझे ट्राइंगल दिख रहा है, कौन सा है, ए बी पी आपके सामने है, तो ठीक है बच्चे, यहीं पर लिख रहा हूं बच्चे मैं, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी पी, इस ट्राइंगल में अगर बच्चे मैं देखूं तो अगर एल बाय ए निकालो तो वो क्या आएगा बच्चे, एल बाय ए, और एक बात ध्यान रखना बच्चे, रेफरेंशियल एंगल फाई को मानो, रेफरेंशियल एंगल फाई को मानेंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहीं पर बच्चे फाई मेरा वेरी करता रहेगा, तो आप एक चीज दिमाग में रखना, थोड़ा सा और आपको क्लियर कर दूं बच्चे, फाई आपको दिखना चाहिए, ये वाला एंगल फाई है, और ये वाला एंगल जो आपको दिख रहा है बच्चे, मैं इसको फाइव वन मान लूंगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, फाइव टू, तो फाइव कितना है, सिर्फ इतना एंगल है, प्लीज ध्यान से, तो एल बाय ए कितना हो जाएगा बच्चे, अगर मैं देखूं फाइव को रिप्रेजेंट मानते हुए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वो होता है क्या बच्चों, टेन फाइव। ओके, तो एल बाय ए हो गया टेन फाइव, तो एल इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चे मेरा,
A10 5, चलो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी इजी है ना। ओके बट मुझे तो चाहिए नहीं, क्या एल तो चाहिए मुझे, डीएल, तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब डिफरेंशिएट भी किसके रिस्पेक्ट में करें, फाई के रिस्पेक्ट, बिकॉज फाई तो वेरी कर रहा है फाई वन फाई टू में। ओके सो तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं बच्चे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू फाई, तो देखिए बच्चे क्या हो जाएगा, ये डीएल बाय डी फाई, ए एज वेल एज कॉन्स्टेंट है, टेन का क्या होगा बच्चे सिक्स स्क्वायर फाई, तो डीएल इज व्हाट राइट बच्चे, ए सिक्स स्क्वायर फाई ऑफ डी फाई, इक्वेशन नंबर बच्चे ध्यान रखिएगा। इससे आप बच्चे मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर टू, कोई दिक्कत नहीं है। चलो डीएल वाला ऑप्शन भी आ गया। अब बात करते हैं साइन थीटा के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं थीटा तो यहां पर नॉर्मल रहेगा, वेरी मेरा फाई कर रहा है, तो मैं थीटा को इन टर्म्स ऑफ फाई लिखूंगा। तो अगेन मेरे बच्चे फ्रॉम ट्राइंगल ए बी पी से अगर मैं देखूं तो थीटा प्लस फाई, हर बच्चे को पता लग रहा है 90 डिग्री, आप देख सकते हैं बच्चे थीटा प्लस फाई क्या होगा बच्चे मेरा 90 डिग्री। तो इससे बच्चों क्या करूंगा मैं, अगर मैं थीटा निकाल दूं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 90 माइनस फाई। सो मेरे बच्चे बट मुझे तो चाहिए साइन थीटा, तो बच्चे साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दो 90 माइनस फाई, तो क्या आ जाएगा कॉस फाई, मतलब आपको साइन थीटा की वैल्यू क्या मिल गई मेरे बच्चों, कॉस फाई, इक्वेशन नंबर थर्ड आपकी मुझे मिल चुकी है, इजी है। लास्ट टर्म बच्चे आर आपको निकालना है, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, सिर्फ आर नॉट अ डी आर। ओके सो बच्चे अब आपको आर निकालना है, उसके लिए भी आपको सेम ट्राइंगल पे जाना पड़ेगा, तो उसके लिए बच्चे क्या करूंगा मैं, इसी ट्राइंगल से अगर देखूंगा, सिमिलरली फ्रॉम ट्राइंगल ए बी पी, इसी ट्राइंगल से सारे काम होंगे मेरे मेरे बच्चे। अगर मैं इस ट्राइंगल से देखूं फाइव तो रेफरेंशियल मेरा एंगल रहेगा, कॉस क्या होता है बच्चे, कॉस होता है वॉट, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब ए बाय आर, बट क्योंकि आपको जो निकालना है वो ऊपर होना चाहिए, तो आर बाय ए क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा क्या होता है हर बच्चे को पता है, सेक, तो इसलिए बच्चे आर बाय ए क्या हो जाएगा बच्चों मेरे, सेक फाई। ओके सो मेरे बच्चे आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सेक फाई। ओके बट आपको आर नहीं चाहिए, आपको आर स्क्वायर चाहिए, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई, इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब क्या करूंगा, हर बच्चे को पता है पुटिंग द वैल्यूज ऑफ, हां जी व्हाट राइट बच्चे, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन इन दी फर्स्ट मेरे बच्चे, ठीक है, पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ इक्वेशन कौन सी, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, किसमें बच्चे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वी गेट मेरे बच्चे ध्यान से देखिएगा, ओके डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय फोर पाई, वो तो एज इट इज है, आई भी बेचारा एज इट इज है, हां जी डीएल की वैल्यू क्या है बच्चे आपके सामने, a sec square phi, तो यहां लिख देता हूं बच्चे मैं a sec square phi, d phi लास्ट में लिखूंगा, देखिए बच्चे कैसे, उसके बाद बच्चे अगली टर्म क्या है हमारे पास, sin theta की वैल्यू क्या है बच्चे, cos theta, यहां लिख दिया बच्चे मैंने cos phi, और साथ में क्या है d phi, अलग से लिख दिया बच्चे मैंने, ठीक है, अपॉन r square की वैल्यू क्या है बच्चे, ध्यान से देखिए a square, हां जी sec square phi। ओके स्टूडेंट्स नाउ ये टर्म आप देख रहे हैं पूरी कट रही है, एक a से एक कैंसिल हो गया, टर्म क्या बच्चे जरा ध्यान से देखेंगे, db is equal to mu naught upon 4 pi i, हां जी बच्चे ये पूरी टर्म कट गई, cos phi d phi और by a भी अलग से बचा हुआ है। नाउ मेरा aim है मुझे नेट फील्ड निकालनी है, तो बच्चे मैं क्या करूंगा दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, व्हाट मेरे बच्चे विद लिमिट्स, लिमिट्स लगाऊंगा, तो लिमिट्स में क्या होगा जरा वो देख लेते हैं एक बार फटाफट से। ओके लेफ्ट में तो b हो जाएगा mu naught i by 4 pi a, वो भी सेम रहेगा, अंदर क्या बचेगा cos phi, और इसका वेरिएबल डी फाई, और वेरी इंपॉर्टेंट लिमिट्स ध्यान से देखिए बच्चे, क्योंकि फाइव वन नीचे लाई कर रहा है तो उसको मैं अपने आप ही नेगेटिव मान लूंगा, और वो ऊपर लाई करने की वजह से क्या मान लूंगा मैं पॉजिटिव। अब मेरे बच्चे मैं इसकी लिमिट के साथ पहले इसको इंटीग्रेट कर दूं एक बार, म्यू नॉट, हां जी बच्चे म्यू नॉट आई बाय फोर पाई ए, सबको पता है कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, ओनली साइन नॉट अ माइनस साइन, वो डेरिवेटिव होता है। ओके साइन फाई, ओके नाउ 5-1 से 5-2 पे जा रहा हूँ बच्चे मैं, थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है, रब करना चाहूंगा बच्चे मैं, और यही से रब कर रहा हूँ बच्चे, आई होप आपको सारा समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से। ओके स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा इतना पोर्शन मुझे रब करने की जरूरत पड़ेगी। नाओ मेरे बच्चे आपके सामने बी की वैल्यू ये आ गई है, बस अब सिंपली मुझे लिमिट्स को पुट करना है, ध्यान से देखिए बच्चे लिमिट्स को पुट कर रहा हूँ मैं, और बी इज वॉट म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए, तो एज इट इज है, लिमिट्स को पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चे साइन 5-2 माइनस ऑफ साइन, हाँ जी माइनस 5-1, आप जानते हैं साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा प्लस, तो मेरे बच्चे म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए, हाँ जी
साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू। चलो ठीक है, आपको पास ये नेट फील्ड आ गई, बट खुश नहीं होना, ये फील्ड आई है फाइनाइट कंडक्टर की बच्चे। अभी कंडक्टर फाइनाइट है और हमें निकालनी है किसकी फील्ड, हां जी इनफाइनाइट कंडक्टर की। मेरे बच्चे प्लीज बहुत ध्यान से देखिएगा, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। इनफाइनाइट कंडक्टर के लिए क्या होगा कंडीशन देखिए बच्चे, फॉर इनफाइनाइट की अगर मैं बात करूंगा आप लोगों से, तो फॉर इनफाइनाइट कंडक्टर के लिए बच्चे मेरे, टीचर रटवा देते हैं बच्चों को, याद रख लेना कि phi1 और phi2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, pi by 2 या 90 डिग्री। बट किस खुशी में भाई, किस खुशी में 90 डिग्री। अब देखना बच्चे, विपिन सर आपको इसका बड़ा इंटरेस्टिंग रीजन देंगे, आपको फील करा देंगे, प्रॉमिस है, जरा देखिए ध्यान से बच्चे। ठीक है, ये मेरा फील्ड पॉइंट है, ये कंडक्टर है, ठीक है, ये मेरा कुछ इस प्रकार से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए आपको दिख रहा है। ओके, सोचना बच्चे 90 डिग्री रखने का रीजन क्या, मतलब phi1 phi2 की वैल्यू 90 डिग्री क्यों रखी, उसका रीजन समझना। आपको पता है अगर कंडक्टर की लेंथ बच्चे में इतनी है तो कुछ ये वाला एंगल बन रहा होगा लाइक दिस, थोड़ी सी अगर लेंथ बढ़ा दूं तो आपको पता है ये वाला एंगल बन रहा होगा, लेंथ अगर और बढ़ा दूं तो आपको पता है एंगल और बढ़ जाएगा बच्चे। अब इनफाइनाइट का मतलब क्या होगा, लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो देखना बच्चों ये लाइन जो कुछ एंगल पे थी धीरे धीरे वो भी बढ़ती 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 जा करके बिल्कुल इस कंडक्टर के क्या हो जाएगी, पैरलर, और इसके एक्सिस से कितना एंगल फॉर्म कर देगी, 90 डिग्री। और क्योंकि मैं जानता हूं इनफाइनाइट कंडक्टर का मतलब लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी, तो उस सिचुएशन में जो लाइन जो कुछ एंगल पे है वो भी एंगल बढ़ता हुआ जाकर के मैक्सिमम जाकर के 90 डिग्री पे टिक जाएगा, और उस 90 डिग्री पे आप देखेंगे कंडक्टर तो इनफाइनाइट हो भी जाएगा, साथ में phi1 phi2 की वैल्यू आपको क्या दे जाएंगी, 90 डिग्री। तो मेरे बच्चे इसीलिए पूरी टर्म क्या होती है बच्चे, phi1 phi2 की वैल्यू 90 डिग्री फॉर इनफाइनाइट कंडक्टर। मुझे उम्मीद है आपको ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो इस वैल्यू को वहां पुट कर दो, आप देखेंगे सिंपली आपको b इनफाइनाइट क्या मिल जाएगा मेरे बच्चे, हां जी म्यू नॉट i बाय 4 पाई a, हां जी sin पाई बाय 2 प्लस अगेन sin पाई बाय 2, इट बिकम्स 1 प्लस 1 2 कैंसिल बाय द 4, म्यू नॉट i बाय 2 पाई a, दैट इज अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट कंडक्टर। यही फॉर्मूला होता है जो लास्ट पर बिल्कुल आता है, एक बात ध्यान रखिएगा बच्चे, बहुत सारे टीचर इस वीडियो को, इस हमारी जो डेरिवेशन है इसे नहीं करवाते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, बिकॉज न्यूमेरिकल इस पे आना है और उसके लिए आपको डेरिवेशन के स्टेप जब तक नहीं पता होंगे आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। और बच्चे मैं इस पे न्यूमेरिकल की भी वीडियो बनाऊंगा, दो तीन क्वेश्चन बहुत अच्छे सेलेक्ट करूंगा जो इसी के टॉपिक के बिहाफ पे होंगे, और प्रॉमिस करता हूँ मजा आ जाएगा आपको जब वो वीडियो देखेंगे, इससे आपको इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बिकॉज बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हो या सीबीएसई हो दोनों के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलता हूँ बच्चों आप लोगों से अपने नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, वीडियो जरूर पूरा बहुत ध्यान से देखना, हमारी वीडियो प्लीज बच्चों लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉमेंट जरूर करिए बच्चों। थैंक यू सो मच।